नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस तरह की निटिंग जुराब बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है, एक दिन में बनने वाली जुराब है ये। आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, इस जुराब को मैंने यहाँ से शुरू किया है और इस तरह से इसको नीचे तक बनाया हुआ है। ये देखिए, इसे मेरे बेटे ने पहना हुआ है और ये देखिए पहनी हुई इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये इधर से ऐसी है, पिछड़कर ये यहाँ से नीचे से इस तरह से दिखाई दे रही है, ये देखिए। और ऊपर इसमें बॉर्डर आप, मैंने इसमें यहाँ तक लिया हुआ है। आप इसे चाहें तो और ऊपर बड़ा बना सकते हैं और पहनने में कम्फर्टेबल है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए इन जुराबों को बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने बॉर्डर बना लिया है। ये इसमें बॉर्डर मैंने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा इस तरह से ये बॉर्डर बनाया, देखिए। और इसकी इसको मैंने शुरुआत में मैंने इसमें 50 फंदे डाले हुए हैं, 50 स्टिचेस हैं। और उसके बाद मैंने इसमें देखिए ये 2 इंच का बॉर्डर बनाया है इस तरह से, ये देखिए, ये इतना बॉर्डर बनाया। बॉर्डर की लंबाई आप उस हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको अपनी टांग की लंबाई रखनी है। मैं इसको एंकल सॉक्स की तरह बना रही हूँ तो मैंने इसमें ये बॉर्डर कम रखा है। आप यदि ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं टांग की लंबाई तो ये बॉर्डर आप ज़्यादा रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। इसे आप 2 से 4 या 6 जितना आप बनाना चाहें उस हिसाब से बॉर्डर रख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमने आगे बॉर्डर बनाने के बाद, आप इसमें बॉर्डर कोई भी बना सकते हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे वो वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 1 फंदा सीधा 1 फंदा उल्टा इस तरह वाला बॉर्डर बनाया हुआ है, ये देखिए। अब इसको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमने टोटल अब 24 सिलाइयां कंप्लीट करनी है। यहाँ से सीधी सिलाई में भी उल्टा बुनेंगे और उल्टी सिलाई में भी इसको इस तरह से उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनते बुनते हम इसकी 24 सिलाइयां कंप्लीट करेंगे। मैं आपको 24 सिलाइयां कंप्लीट करके और फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से इतनी कंप्लीट कर ली। मैंने इसमें 24 लाइन्स कंप्लीट की हैं। ये इनको इस तरह से काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह 12 है। यदि सीधी उल्टी काउंट करेंगे तो 24 है। आप देखिए, हमने इसके इसमें हमारे पास ये 50 फंदे हैं, 50 स्टिचेस हैं हमारे पास। हमने इसमें से सेंटर में 24 स्टिचेस रखने हैं और साइडों में हमने 13 और 13 स्टिचेस को घटा देना है। तो ये कैसे करेंगे हम देखें, और इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। इसके लिए हम पहले इस तरह से 1 कस लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट हमारा 13। ये हमने इस साइड में 13 फंदे कम कर दिए। ये देखिए, इधर से हमने 13 फंदे कम कर दिए इस तरह से। और अब ये हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे यहाँ तक। अब हम जब अगली नई सिलाई शुरू करेंगे फिर हमने इस साइड से 13 फंदे 13 फंदे घटाने हैं। तो ये हम पूरी सिलाई उल्टी बुनते हैं और मैं आपको यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ आगे किनारे पे। इधर आके ये यहाँ तक उल्टी बुनते हुए आती हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से ये इधर मैंने ये इसमें 13 फंदे कम किए यहाँ से और मैं यहाँ से बुनती हुई इधर आ गई। अब ये हम सिलाई घुमा लेंगे इस तरह से, अगली सिलाई में आ गए। अब हमने फिर से इसमें 13 फंदे कम करने हैं। हमने धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये वाला फंदा हमने इस तरह से बुनना है और इसे हमने इस तरह ऊपर से लेते हुए कम कर देना है।
अगला करेंगे इस तरह, दो हो गए हमारे, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, और ये हमारे तेरह। इस तरह से आ गए, देखिए ये ऐसे आ रहे, ठीक है जी। अब हमने ये जो बीच वाले फंदे हैं हमारे, देखिए काउंट करने पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये हमारे चौबीस हैं, ट्वेंटी फोर हैं ये फंदे। तो अब हमने इन फंदों को इसी तरह से बुनते चले जाना है। चौबीस फंदों की हमने लंबी पट्टी बनानी है, तो ये इस तरह। अब मैं आपको ये पट्टी बना के फिर आगे दिखाती हूँ। इस तरह से बुनते जाएंगे इनको और लंबी पट्टी बना लेंगे अपने पैर से, जो ऊपर के पैर की जो हमारी लंबाई है उससे डबल बनाएंगे इसको। तो मैं ये पट्टी बना के फिर आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ही पट्टी बना ली है ऐसे। अब हमने जो जुराब बनानी है वो हम इस तरह और ये ऐसे जोड़ेंगे इसको यहाँ से, और इन दोनों को हमने इस तरह से पकड़ के ऐसे सुई धागे से जोड़ना है इसको, और यहाँ से ये ऊपर वाले पोर्शन से इसको। तो अब हम पहले मैं इसको आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी टोटल जो है 22 सिलाइयों के बाद मैंने इसकी टोटल लेंथ 10 ली है, 10 इंच है, इस तरह से दिखाई दे रही है। और टोटल देखेंगे तो हम इसकी ये 16 है, ये 16 है। तो अब देखिए हमने इसको बंद करना है, तो इसके लिए हम पहले ऐसे इसे ख़त्म कर देंगे हम, ये ला के यहाँ से ये फंदे खत्म बंद करने हैं, बाइंड ऑफ करना है इसको हमने। तो एक बुनेंगे और पहले वाले को उसके ऊपर से पलट लेंगे, इस तरह से हम ये सारे बाइंड ऑफ कर देंगे। और मैं आपको ये बाइंड ऑफ करके, ये देखिए ये मैंने इसको बंद कर लिया। अब यहाँ से हम इसमें धागा तोड़ेंगे, धागा थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे इस तरह से, बहुत है ना। और अब हमने ये सुई में धागा डालना है, और इसकी हमने सिलाई करनी है इस तरह से। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमने इस तरह से सिलना है, यहाँ से इसको यहाँ से सिएंगे, और इसको यहाँ से, और ये यहाँ से सिलेगा इस तरह से। और ये हमने जुराब, ये पोर्शन हमने इतना बनाना है जितना हमारे पैर में डबल होके आ जाएगा, यहाँ पे पैर रख के और इसको इस तरह से डबल होके आएगा, इस तरह से बनाना है। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं, और इसको देखिए यहाँ से और यहाँ से इसमें इसको इस तरह से सिलेंगे, ये फली से फली मिलाते हुए जोड़ते हुए चलेंगे हम यहाँ से। और मैं आपको ये सारा सिल दूँगी, और उसके बाद मैंने इधर से सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए ये मैंने यहाँ से इसको सिल लिया। अब मैं इसको ऊपर ही ऊपर से इधर से सिलना शुरू करूँगी, यहाँ से हम इसको इधर से
इस तरह आधे में ले आए और इधर से सिलते हुए इसको आधे में ले आए और फिर इन दोनों को यहाँ से सिल दें। ये सारा सिलाई हो जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से सिलाई हो जाएगी और ये हमारी जुराब तैयार हो जाएगी। मैं आपको ये सिल के और फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से ये दोनों तरफ से ये इस तरह से सिलाई कर ली इसकी यहाँ से और ये इस तरह। अब हम इसको यहाँ से सिलेंगे और ये हमारी जुराब तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ से सिल दिया मैंने इसको, थोड़ा सा रह गया। इसकी पूरी सिलाई कर देते हैं सुई धागे से, ये इस तरह से ऊपर ऊपर से इनको इस तरह ऐसे ये सिल गया हमारा और कस के इसको ये गांठ लगा देंगे। अब हमने इसको उल्टा करना है। देखिए, ये ऐसे आएगा, ये वाला पोर्शन इसका बैक साइड है जहाँ से ये सिलाई की है, ये इसका यहाँ फ्रंट है, ये इस तरह से। और अब मैं देखिए ये पहनने पे ये ऐसे आएगी। देखिए, पहन के इस तरह से दिखाई देगी और ये पीछे से ऐसे और इधर से इस तरह से। उम्मीद है आपको ये जुराब बनानी आसान लगेगी और पसंद आएगी। मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।